हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्डीज अकेडमी। और आज के इस क्लास में, जो कि मेरा क्लास नंबर 14 होगा, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है, बेसिकली सेट थ्योरी जो दिया गया, तो उसमें बहुत सारे यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सब वहाँ पर बताया गया। तो हम लोग वहाँ पर जो सीखे वो हम लोग थ्योरी पार्ट में सीखे, और हम लोग जो है अब यहाँ पर सेट थ्योरी को ही समझेंगे, लेकिन डायग्राम के सहारे से समझेंगे। ठीक है, तो बाकी 13 क्लास तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। और आज का जो मेरा क्लास नंबर 14 है, उसमें हम लोग वेन डायग्राम का बात करेंगे। तो बेसिकली वेन जो है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन बेसिकली ये था, जिसका नाम कि जॉन वेन था। ठीक है, जिसका नाम क्या था मेरा, जॉन वेन। तो बेसिकली इसी ने खोज किया, तो इसी पर इन्होंने रख दिया वेन डायग्राम। ठीक है, इस जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था जॉन वेन। इन्होंने ये देखा कि यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, और डायग्राम के सहारे से इन्होंने सेट थ्योरी को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना जो थ्योरी दिया, सेट थ्योरी, तो इनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो मेरा सेट होता है वो होता है मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सबसे बड़ा सेट मेरा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा जो है ना, वो रेक्टेंगल फिगर से दिखाया जाता है इनके डायग्राम में। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा है, इस तरह करके इसमें मेरा दिखाया जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कि ये मेरा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अलावे जो होता है, यानी कि जो हम लोग अभी तक मान रहे थे ए सेट, बी सेट, इस तरह से, तो यूनिवर्सल सेट से जो छोटी सेट होती है उनको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, गोल, है ना, सर्कल, ये इसी को हम क्या कहते हैं, सेट। ये हो गया नॉर्मल सेट। ठीक है, और जो ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया फिगर को, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो बेसिकली वेन ने जो कहा, वेन ने ये कहा कि अगर रेक्टेंगल फिगर अगर मैं बना दूँ तो वो मेरा दिखाता है एक यूनिवर्सल सेट को, और अगर मैं एक सर्कल बना दूँ तो वो हमको दिखाता है एक नॉर्मल सेट को। ठीक है, वो हमको दिखाता है एक नॉर्मल सेट को, और ये दिखाता है मेरा यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो जो हम लोग सबसे जो हम लोग पढ़े, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े सेट में, तो वो हम लोग क्या पढ़े, सेट के बारे में चर्चा किया, फिर रोस्टर फॉर्म पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके टाइप्स को पढ़े, और फिर जो हम लोग पढ़े वो हम लोग पढ़े सबसेट। ठीक है, सबसेट पढ़े, तो सबसेट जो होते हैं ना, तो सबसेट का सिंबल मेरा कुछ इस तरह से होता है, ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी कहने का क्या मतलब हो गया, कि ए का सारा एलिमेंट मेरा कहाँ है, बी में, सेट बी में। ए सबसेट बी कहने का अर्थ ये हो गया कि ए का सारा एलिमेंट मेरा कहाँ है, सेट बी में है, यानी कि सेट भी बड़ा होगा और सेट ए उसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो ए सबसेट बी को वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाया जाता है, तो सबसे पहले जो है एक यूनिवर्सल सेट लेंगे हम। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा वाला सेट होगा। ठीक है, ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसके यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं, ताकि मतलब ये जो है मेरा ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, अब ए सबसेट बी है, तो यानी कि ए का सारा एलिमेंट मेरा सेट बी में होगा, और अगर सेट बी अगर इतना सा है, ठीक है, मैं यहीं बनाता हूँ डायरेक्ट, अगर ये मेरा पूरा का पूरा अगर मेरा सेट बी है, ये क्या है मेरा सेट बी, तो जितने भी ए के एलिमेंट हैं सेट ए के, जितने भी सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी में रहेगा। ठीक है, यानी कि सेट ए को ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेट ए है वो सेट बी के अंदर में है। बेसिकली हम इस तरह से लेते थे कि सेट ए कोई है, उसमें है मेरा 1, 2, 3 एलिमेंट, और सेट बी है जो कि बहुत बड़ा सेट है, जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है, सपोज दैट। तो इसमें क्या है कि सेट ए का 1, 2, 3 यानी कि तीनों का तीनों एलिमेंट मेरा सेट बी में देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है मेरा वो सबसेट है सेट बी का। तो सेट बी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा है, सेट बी जो है मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा है, और सेट ए का सारा एलिमेंट मेरा सेट बी में है। ठीक है,
तो उसको वेन डायग्राम में जो है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पूरा का पूरा ये हो गया यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर में ही रहेगा सेट भी। बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो होते हैं वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो उसके अंदर में ही न रहेगा कोई भी सेट रहे, तो कोई भी सेट रहे तो वो उसके अंदर में रहेगा, तो सेट भी उसके अंदर में आ गया। और सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो मेरा सेट बी में है, तो सेट बी के भी अंदर में रहेगा मेरा सेट ए। तो सबसेट को जो है वो इस तरह से वेन डायग्राम में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे ऑपरेशन ऑन सेट, और ऑपरेशन ऑन सेट में हमने यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, डिसजॉइंट सीखा, डिफरेंस सीखा, है ना। बेसिकली चार तरह का ऑपरेशन, कंप्लीमेंट भी था। तो यूनियन मैंने पहले सीखा, तो यूनियन जैसे कि देखिए कोई भी है ए यूनियन बी है, हाँ, तो इसको वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाया जाता है, तो वेन डायग्राम में दिखाने का सबसे पहले वही, सबसे पहले जो है आपका यूनिवर्सल सेट पहले बना लीजिए, ठीक है। ये मेरा बन गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट ए है, ठीक है। बेसिकली वेन डायग्राम में जो है ना वो दो सेट को इस तरह से ना क्रॉस करके बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हमारी और आपकी परेशानी नहीं है, ये बेसिकली वेन की परेशानी है। वेन ने कहा कि नहीं ऐसे बनता है, तो फिर हम उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो दो सर्कल को यानी कि दो सेट को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, और मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये वाला गोला मेरा सेट ए है, ये वाला सर्कल मेरा सेट बी है। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब हो गया कि इसमें वो एलिमेंट आएगा जो कि ए में भी रहे, बी में भी रहे और दोनों में रहे, ठीक है। दोनों में रहे, ए में भी रहे, बी में भी रहे और दोनों में रहे। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, वो एलिमेंट जो ए में रहे तो वो ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। वो ये वाला एलिमेंट होगा जो ए में है, ठीक। इसके बाद जो बी में रहे, तो बी में रहेगा तो केवल ये वाला होगा, और जो दोनों में रहे, ठीक है, तो दोनों में रहे तो ये वाला आ गया। इस पोर्शन में देखिए डायग्राम के एकदम बीचों बीच पोर्शन में अगर आप देखें तो इसमें देखिए मेरा ब्लैक इंक भी है और रेड इंक भी है, ठीक है। इसमें मेरा ब्लैक इंक भी है और रेड इंक भी है, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों ही पेन चल चुके हैं। सेट ए में इस साइड केवल अगर देखें तो केवल ब्लैक है, इस साइड देखें तो केवल रेड है, लेकिन ये बीच में जो है ना, ये बीच पोर्शन में जो है वो दोनों ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो केवल ए में है यानी कि ये वाला पोर्शन, जो केवल बी में है यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, और जो दोनों में है यानी कि बीच वाला पोर्शन, ठीक है। बीच वाला पोर्शन यानी कि मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है कि सेट ए हुआ तो ये वाला पोर्शन, केवल केवल सेट बी ये वाला पोर्शन, और जो दोनों में है वो ये वाला पोर्शन है, बीच वाला ये वाला, है ना, ये वाला पोर्शन हो गया। तो यानी कि इसमें जो है ना ये दोनों ही सेट जो है इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे ए यूनियन बी को, जिसमें कि मेरा एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है और दोनों में है, उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको अगर आप समझ लिए हों तो अब हम लोग चलेंगे इंटरसेक्शन की ओर, इंटरसेक्शन की ओर। इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन मान लीजिए बी है, तो उसको वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाते हैं, तो सबसे पहले वही एक रेक्टेंगल बना लीजिए आप, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ठीक है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हो गया जो दोनों में रहे, यानी कि सेट ए में भी रहे और सेट बी में भी रहे, ठीक है। तो ये कोई एलिमेंट, ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या है ना कि एलिमेंट को जो है ना वो हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ डॉट रहा इस तरह से, तो इसको हम लोग दिखाएंगे एलिमेंट, ठीक है।
एलिमेंट कह लो आप, या फिर मेंबर कह लो, या ऑब्जेक्ट कह लो, जो भी ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है, मेंबर कह सकते हो। तो अगर इस तरह से दो सेट रहा, तो ये एलिमेंट जो केवल सेट ए में है, ये एलिमेंट वो भी सेट ए में है, ये एलिमेंट जो केवल बी में है, ये जो केवल बी में है, और यही एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों में है। अगर इसको अगर यहाँ से मैं अगर अलग करूँ तो ये एलिमेंट भी आ जाएगा, उसको मैं अगर उधर लेते चलूँ तो भी ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। यानी कि ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं कह दिया एलिमेंट वन, इसको एलिमेंट टू, इसको एलिमेंट थ्री, इसको एलिमेंट फोर, इसको एलिमेंट फाइव। तो अगर मैं यहाँ पर अलग अलग मैं बनाऊँ, तो यहाँ पर ये एलिमेंट वन है, ये एलिमेंट टू है, ये एलिमेंट थ्री है, और इसको मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ये एलिमेंट थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। तो यहाँ से देखिए एलिमेंट थ्री दोनों में है, यानी कि ये वाला पोर्सन जो होता है मेरा बीच वाला, ये पोर्शन मेरा एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि दोनों ही सेट में कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो दोनों ही सेट में जो मेरा कॉमन पोर्शन हो गया वो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो मेरा सेट होगा, उसको वेन डायग्राम में हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली यही वाला पोर्शन जो होता है मेरा, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन मेरा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको यहाँ नहीं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कहलाता है, ठीक है, बीच वाला। चलिए इसको समझिए तब तक, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जो हम लोग सवाल वगैरह बना रहे थे उसमें यूनियन तो हम लोग दो सेट का देखे ही थे, और तीन सेट का भी यूनियन होता है, ठीक है। तो तीन सेट का यूनियन कैसे होगा, सपोज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तरीका तो पहले वही होगा कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, और ये मेरा सेट सी हो गया। इसको इस तरह से बनाया जाता है, तीनों ही सेट को मैंने इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि एक दूसरे से मतलब काटते हुए, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए, सेट ए ये हो गया, सेट बी वो हो गया, और सेट सी नीचे वाला हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, कि वो एलिमेंट जो ए में भी रहे केवल, या केवल बी में रहे, या केवल सी में रहे, या ए बी में रहे, या बी सी में रहे, ठीक है। तो यानी कि जो तीनों में रहे वो भी, जो केवल दो में रहे वो भी, और जो केवल सिंगल सिंगल सेट में रहे वो भी, यानी कि सारे ही एलिमेंट जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है मेरा सेट ए, तो ये तो आएगा ही। इसके बाद उधर वाला है मेरा सेट बी, तो ये वाला भी आएगा, है ना, कन्फर्म आएगा ये वाला भी। इसके बाद जो कि केवल सेट सी में रहे या दोनों में रहे, ठीक है, तो यानी कि उसमें मेरा ये वाला आएगा। यानी कि इसमें जो है जितने भी सर्कल बने ना, वो सारे ही सर्कल जो है इसमें ड्रॉ हो जाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में। इसको देखिए अब मैं बड़ा करता हूँ, ये कोई दो और ये कोई एक तीन सेट है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन होता है ना, ये केवल सेट, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है, तो ये वाला जो मेरा पोर्शन होता है वो केवल सेट ए के लिए होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो मेरा पोर्शन हुआ ना, वो केवल सेट ए के लिए हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वैसा वाला पोर्शन है जो केवल और केवल सेट ए में है। केवल और केवल सेट बी के लिए जो हुआ वो मेरा ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन हो गया जो कि केवल और केवल बी में है।
इसके बाद ये वाला जो मेरा पोर्शन हो गया वो हो गया केवल और केवल सेट सी का, केवल और केवल सेट सी का पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है ना कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला पोर्शन है बीच वाला, तो उसी हिसाब से इस दोनों ही सेट का यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला हो गया इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ए और बी का। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ऐसे ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। इसके बाद अगर इस सेट का मैं बात करूँ, ये वाला पोर्शन केवल, तो ये वाला पोर्शन मेरा हो जाता है सी और ए दोनों ही इंटरसेक्ट किए हैं ये पोर्शन में, तो ये वाला हो जाता है मेरा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये देखिए सी और बी केवल किया है, तो ये वाला पोर्शन मेरा हो जाता है ए इंटरसेक्शन सी, है ना। और जो ये बीच वाला जो पोर्शन बच गया, ये वाला बीच वाला पोर्शन, ये वाला हो जाता है, ये देखिए सेट ए में भी है, सेट बी के भी अंदर आ गया और सेट सी के भी अंदर आ गया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन हो गया ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, तीनों ही सेट का ये इंटरसेक्शन हो गया। यानी कि ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, तीनों में है। और ये वाला पोर्शन केवल ए सी में है, ये वाला पोर्शन केवल ए बी में है, और ये वाला पोर्शन जो है केवल ए और सी में है, सॉरी केवल ए और सी नहीं, ए बी, ये ए सी में है, हाँ ये ए बी में है, हाँ ये बी सी में है, ये सेट बी और सी का कॉमन है, ठीक है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो अगर तीन सेट रहता है तो उसको हम लोग इस तरह से क्रॉस करके बनाते हैं, और उसका हर एक पार्ट को क्या क्या कहते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, और उस हिसाब से ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट जो बनता है वो मेरा सेट ए का पूरा एलिमेंट, सेट बी का पूरा एलिमेंट और सेट सी का भी पूरा का पूरा एलिमेंट मेरा, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद तीन सेट वाले इंटरसेक्शन, चलिए तीन सेट वाले इंटरसेक्शन, वो चार था ये पांच होगा, तो सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट पहले बनाना है। इसके बाद ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो तीनों ही पोर्शन में कॉमन हो। तो यहाँ से आप खूब अच्छे से देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है वही एक ऐसा पोर्शन है जो कि तीनों में है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही वाला पोर्शन वैसा है जो कि तीनों ही सेट के, सेट का कॉमन है, सेट ए और बी और सी तीनों का ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन जो होगा मेरा, ये वाला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों ही सेट का ये वाला जो है मेरा हो गया कॉमन एलिमेंट। तो चलिए हम लोग जो है वो यूनियन का मैंने सीख लिया, दो सेट का यूनियन कैसे करेंगे, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, फिर तीन सेट का यूनियन कैसे करेंगे और तीन सेट का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग यूनियन पढ़ लिए थे, इंटरसेक्शन हो गया था, फिर मेरा डिसजॉइंट सेट आया था, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में किस तरह से लिखते ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट को, तो डिसजॉइंट सेट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। डिसजॉइंट सेट जो है वो सेट होता है जो कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन मेरा क्या हो जाए, फाई, तो इसमें फाई होना है, तो फिर वही चलेगा, रेक्टेंगल होगा उसमें, इसके बाद फिर उसमें तीन सेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इसमें रेक्टेंगल होगा, इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ये मेरा बन गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट।
इसके बाद इसमें ए और बी सेट को आपको इस तरह से बनाना है कि उसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना रहे। अगर आप दोनों ही सेट को अगर इंटरसेक्ट करते हुए अगर बना देंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए अगर आप इस तरह से अगर बना देंगे तब तो फिर इसका कॉमन एलिमेंट हो ही जाएगा ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है जो कि आपका दोनों ही सेट इंटरसेक्ट ना करे। अगर इंटरसेक्ट ना करेगा तो फिर वहाँ से दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट भी नहीं होंगे। तो यानी कि ये वाला मेरा सेट ए हो गया और यहाँ ये मेरा सेट बी हो गया, ठीक है। मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट बना दिया जिसमें कि सेट ए और सेट बी दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा जो है ये कॉमन एलिमेंट भी एक भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई सेट है, इसमें है 1, 2, 3 एलिमेंट और यहाँ पर कोई है 4, 5, 6 एलिमेंट, तो इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से अगर यहाँ पर मैं अगर इसको फंसा दूँ, ऐसे अगर मैं कर दूँ, तब देखिए आपका 2 जो है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट हो गया। तो आपको इस तरह से जो है ना बनाना ही नहीं है, हाँ आपको इस तरह से बनाना ही नहीं है, आपको एकदम सेपरेट सेपरेट बनाना है, जिस कारण से कि ये मेरा सेट ए हो गया और ये मेरा सेट बी हो गया। तो दोनों ही सेट को आपको क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट करके बनाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद डिसजॉइंट के बाद हम लोग बेसिकली चलिए इसका देख लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कैसे बनता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम कैसे बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, नहीं सॉरी ए यूनियन बी, तो इसमें तो हमको पहले 3 सेट बनाना पड़ेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें क्या होगा कि ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ही सर्कल आ गए। तो सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो ए और बी तो इसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन सी, आप इसको यूँ मानिए कि ए यूनियन बी हुआ तो इसमें ये पोर्शन पूरा आएगा, ए यूनियन बी, हाँ ये मेरा जो हम अभी जो ड्रॉ किए हुए हैं ये मेरा है ए यूनियन बी सेट का, ठीक है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन सी, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा सी सेट, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा सी सेट। तो अब इसमें क्या होगा कि सेट सी तो ये मेरा पूरा है, अब इसमें आपको कॉमन देखना है। कॉमन देखने का मतलब ये हो गया कि जहां मेरा रेड इंक और ब्लू इंक दोनों ही चले हैं, ठीक है, जहां मेरा ब्लू इंक चला है और जहां मेरा केवल रेड इंक चला है वहां वो नहीं होगा कॉमन। ए यूनियन बी का जो मैंने ड्रॉ किया है वो मेरा है ब्लू इंक और सी जो मैंने यहाँ पर सेट को ड्रॉ किया है वो मेरा है रेड इंक, तो दोनों ही सेट का अब हमको कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन है दोनों ही सेट का हमको कॉमन देखना है। तो इसके और इसके दोनों ही मैंने ए बी और सी का कॉमन एलिमेंट आपको देखना है। तो अगर आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो केवल ब्लू है, ये वाला सेट तो होगा नहीं, ठीक है, जो केवल ब्लू है वो वाला सेट तो मेरा नहीं होगा, जिसमें ब्लू और रेड दोनों हैं वो वाला सेट होगा। तो जो केवल ब्लू है वो तो होगा नहीं, जो केवल रेड है वो वाला भी नहीं होगा, तो मैं उसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब जो मेरा बच गया जिसमें रेड और ब्लू दोनों ही हैं वो मेरा सेट बन गया, वो मेरा किसका सेट बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। यानी कि मेरा जो ये वाला जो मेरा पोर्शन हो गया जिसको मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है, ये वाला पोर्शन मेरा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम देखेंगे इसका उल्टा, ये 6, 7, 8 नंबर होगा ना। चलिए इसमें हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी रहे और फिर यूनियन सी रहे तो उसका सेट जो मेरा बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन पहले मेरा बी होना चाहिए, इसके बाद फिर मेरा वो यूनियन सी रहेगा। तो ए यूनियन बी तो तीन सेट है, तो हम यहाँ पर पहले तीन सेट पहले बना लेते हैं क्रॉस्ड ईच अदर ऐसा। ठीक है, जिसमें से कि ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट सी है। अब इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला जो मेरा पोर्शन होगा वो कौन सा होगा उसको हमको ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन जो होगा वो मेरा ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो मेरा पोर्शन होगा वो होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन, ठीक बीच वाला। इसके बाद यूनियन सी, मतलब वो वाला तो रहेगा ही और सी, तो पूरा का पूरा सेट सी आ गया, तो पूरा का पूरा सेट सी आ गया तो उसमें मेरा तो ये वाला एलिमेंट चला गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है ये पूरा होगा, ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, मैंने पूरा सेट सी होगा और ए इंटरसेक्शन बी वाला भी मेरा सेट होगा। ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी हुआ बीच वाला और यूनियन सी यानी कि पूरा का पूरा सेट बी भी उसमें ड्रॉ हो जाएगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी वाले को पहले ड्रॉ करेंगे तो उसमें मेरा क्या आएगा, बीच वाला पोर्शन, इसके बाद फिर यूनियन सी, तो पूरा का पूरा मेरा सेट सी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस को पढ़ करके रखा है कि ए माइनस बी इस तरह से है ना, ए डिफरेंस बी। तो अब उसका हम लोग कुछ वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम से बेसिकली सेट को समझना क्या हो गया है, बहुत ही इजी हो गया कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सपोज दैट ए माइनस बी है, इसका हम लोग वेन डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो इसमें क्या होगा कि ए माइनस बी सेट का मतलब क्या होता था, हाँ इसका डेफिनेशन ये था कि वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है, यानी कि जो केवल ए में है। ठीक है, ए माइनस बी का डेफिनेशन ही ये था कि जो केवल और केवल कहाँ है, ए में है। ए माइनस बी का जो केवल और केवल ए में है, ठीक है, तो जो केवल और केवल ए में है, तो केवल और केवल ए में कौन है, कौन सा पोर्शन हमको आपको यहाँ दिख रहा है कि जो केवल ए में है, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो केवल कहाँ है, ए में है। ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला तो दोनों में है, ये बीच वाला पोर्शन जो है वो तो मेरा दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है ये, तो केवल और केवल ये वाला है। ठीक है, तो ये मेरा, ये वाला जो मेरा अभी मैंने ड्रॉ किया ये मेरा बन गया ए माइनस बी का पोर्शन। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसके बाद 10 नंबर होगा मेरा और वो होगा इसका उल्टा, यानी कि b माइनस ए का हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये एक रेक्टेंगल होगा और ये होगा मेरा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद सपोज करिए ये मेरा हो गया सेट a, ये वाला हो गया मेरा सेट b, तो b माइनस ए इसमें करना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो केवल और केवल b में है। ठीक है, इसका मतलब था जो केवल और केवल a में है और इसका मतलब हुआ कि जो केवल और केवल कहाँ हो, b में हो। तो केवल और केवल b में कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, जो केवल और केवल कहाँ है, b में। तो ये वाला पोर्शन जो मेरा बना वो क्या बना, b माइनस ए।
नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ करके रखे हुए हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम में किस तरह से बनता है। ए कॉम्प्लीमेंट है मान लीजिए, तो ये मेरा क्या है सेट ए, सेट ए। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ये तो मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा क्या है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा रेक्टेंगल, और ये जो मेरा सर्कल है ये मेरा हो गया सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन होगा, कौन सा पोर्शन होगा ए को छोड़ करके, ठीक है। हम लोग यू से वैसा एलिमेंट उठाते थे जो ए में नहीं है। सपोज इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, देखिए जैसे कि कोई सेट ए है और उसमें एलिमेंट है मेरा वन और टू, और कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें है वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरा सेट होता था वो किसका होता था, जो ए में है उसको नहीं, मैंने यूनिवर्सल सेट से हमको इसमें एलिमेंट लिखना है लेकिन जो ए में है वो नहीं, यानी कि ए में तो वन है टू तो है, तो थ्री नहीं है ए में तो थ्री लिखाएगा, फोर नहीं है ए में तो फोर लिखाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला यहाँ तो मेरा ये पूरा का पूरा सेट ए है, तो सेट ए को छोड़ करके है ना, सेट ए को छोड़ करके वहाँ से लिखते थे। तो सेट ए को छोड़ करके जो मेरा ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया ए कम्प्लीमेंट सेट, ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया ए कम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। एलेवन है ये, ट्वेल्व होगा, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल सेट होगा, हाँ या ना, सबसे पहले तो एक मेरा रेक्टेंगल सेट होगा और वो मेरा होगा यूनिवर्सल सेट। और दो सेट है तो हम कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे इंटरसेक्ट करते हुए, ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, हाँ। और ए यूनियन बी मैंने पीछे करवाया है, देखिए कि उसमें मैंने इस दोनों ही सेट को ड्रॉ कर दिया है ए यूनियन बी में, यानी कि ए यूनियन बी सेट का मतलब ये हो गया जो ए में भी है वो भी, जो बी में है वो भी, ये पोर्शन मेरा केवल ए में है, ये पोर्शन मेरा केवल बी में है, ये पोर्शन मेरा दोनों में है, ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा नहीं करना है हमको, उसका कम्प्लीमेंट करना है यानी कि उसका उल्टा। तो ये वाला पोर्शन तो मेरा आ गया इसमें, ये वाला पोर्शन मेरा कहाँ आ गया सेट ए और बी में, तो इसको छोड़ करके यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो मेरा आ गया, ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन गया, हाँ ये वाला पोर्शन मेरा बन गया ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट का। ए यूनियन बी मेरा ये वाला सेट होता था लेकिन इसको छोड़ करके जो मेरा ये पोर्शन बना है ये बन गया मेरा ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, एक एक चीज़ को नोट करते चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद वो 13 होगा, ये इसमें हम लोग सीखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये वाला मान लीजिए सेट ए है, ये वाला सेट बी है, तो ए कम्प्लीमेंट, ठीक है ए कम्प्लीमेंट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ ठीक रहेगा, ये सब तो हो ही गया होगा। देखिए इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए
देखिए ये वाला मेरा सेट ए हो गया, ये वाला मेरा सेट बी हो गया, हाँ या ना। तो इसमें क्या होगा कि मेरा ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले, तो ए कम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूँ तो ए कम्प्लीमेंट आप लोग अभी देखे हुए थे कि सेट ए को छोड़ करके बाकी सारा होता है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट में जो है वो ये वाला पोर्शन आ गया, ए कम्प्लीमेंट में मेरा ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन मेरा आ गया ए कम्प्लीमेंट में। अब हमको ढूंढना है बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट तो हो गया, अब हमको ढूंढना है बी कम्प्लीमेंट, और फिर दोनों ही सेटों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा उसको मैं दिखा दूंगा। तो बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट में क्या होगा कि ये पूरा मेरा सेट बी है, तो इसको छोड़ करके, बी कम्प्लीमेंट है तो इसको छोड़ करके, सेट बी को छोड़ करके, यानी कि मेरा ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा बी कम्प्लीमेंट का, हाँ। अब यहाँ से आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट चूज करना है, यानी कि वो वाला पार्ट जो कि मेरा ए इंटरसेक्शन और बी, सॉरी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, यानी कि जिसमें मेरा ब्लू और रेड दोनों ही इंक चले हुए हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट जहाँ मेरा ब्लू और रेड दोनों ही इंक चले हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन में आप अगर गौर से अगर देखिएगा तो ये वाला पोर्शन तो मेरा हो गया केवल और केवल, हाँ, ये वाला पोर्शन तो मेरा हो गया केवल और केवल ए का, यानी कि ये केवल रेड है, इसमें केवल ब्लू है। तो ए और बी सेट, ए और बी दोनों ही सेट के बाहर अगर आप देखें, दोनों ही सेट का बाहर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि वो पूरा जो मेरा सेट है वो क्या है, कॉमन, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन तो मेरा नहीं होने वाला है, ये वाला पोर्शन नहीं होगा मेरा, मैंने इसको साफ कर दिया, ठीक है। तो अब जो ये मेरा पोर्शन बच गया, ये मेरा पोर्शन बच गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। और पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था एक सेट थ्योरी पर एक डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, और डिमॉर्गन्स लॉ जो था मेरा, ये कहता है सबसे पहला इसका नियम था कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट अगर मैं कर दूं तो वो इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी ये वाला चीज़ जो है मेरा प्रूव हो जाता है, ठीक है, वेन डायग्राम से भी ये वाला चीज़ जो है मेरा वो प्रूव हो जाता है कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट का डायग्राम बना कुछ इस तरह से, जो कि सेट और सेट ए और सेट बी के बाहर वाला पोर्शन ड्रॉ हुआ, ठीक है, कलर हुआ। और यहाँ पर देखिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सेट मैंने इसको यहाँ बनाया, इसमें भी आप अगर देखें तो केवल और केवल वही वाला पोर्शन ड्रॉ हुआ है, यानी कि सेट ए और सेट बी के बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ भी सेट ए और सेट बी का बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ भी बाहर वाला पोर्शन है, यानी कि दोनों ही डायग्राम क्या है, आपस में इक्वल है। तो यानी कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। सिमिलरली उसी तरह से जो है ना मेरा सेकेंड लॉ भी इसी तरह से प्रूफ हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट अगर मैं कर दूं तो ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो सिमिलरली आप जो है इसको घर में करके देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का आपको होल कम्प्लीमेंट लेना है और फिर उसका डायग्राम आपको बनाना है, इसका ये डायग्राम दोनों ही जो है वो इक्वल होगा। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा ही दूँ, थोड़ा सा रफली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है यार।
चलिए, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट मेरा ये वाला आता है, तो इसी का कंप्लीमेंट यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सारा कलर होगा, बाकी क्या होगा, सारा ड्रॉ होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया, और ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। इसके बाद है मेरा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो वाला सेट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट, तो ए कंप्लीमेंट इन यूनियन, हाँ वो इंटर, हाँ ये वाला, अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें ए कंप्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा। इसके बाद बी कंप्लीमेंट, तो बी को छोड़ करके ये वाला पोर्शन होगा। अब दोनों का जो है हमको यूनियन कर देना है, यानी कि दोनों को जो है वो मिला देना है, तो सारे बन गए, ठीक है, केवल बीच वाला पोर्शन को छोड़ करके सारे यहाँ पर मेरा कलर हो चुका है, तो यानी कि ये और ये क्या है, मेरा इक्वल है। तो वेन डायग्राम जो है ना, सॉरी, ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, वो मेरा वेन डायग्राम से भी प्रूव हो जाता है, ठीक है, कि उसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका और इसका, तो दोनों ही डायग्राम आपस में इक्वल होते हैं, और इसका और इसका मैं अगर ड्रॉ करूँ डायग्राम, तो वो डायग्राम भी आपस में क्या होते हैं, मेरा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वेन डायग्राम पर, और वेन डायग्राम पर जो है वो एक्सरसाइज 1.5 पर एक या दो क्वेश्चन है। तो आपका जो है ना अगला जो क्लास होगा, जो कि मेरा क्लास नंबर 15 होगा, उसमें मैं एक्सरसाइज 1.5 को लेकर के आऊँगा, उसमें आपका कंप्लीमेंट होगा और डी मॉर्गन्स लॉ पर होगा, और फिर वेन डायग्राम पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 1.5 आप पहले बना करके आइए, फिर अगर वो कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है, तो फिर मेरा अगला वीडियो वो आने वाला है, उसको आप देख करके वहाँ से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हुए। तो फिर चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए यहाँ तक आप पूरा तैयारी कीजिए, ठीक है, जय हिंद। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.